हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज है यहाँ पे मंडे 29th ऑफ अगस्त, और आज का जो ये वीक स्टार्ट हुआ है मंडे से, बहुत ही बिजी वीक होने वाला है। पहले तो आज उसका बर्थडे है, 4th मंथ बर्थडे। देखते ही देखते 4 मंथ्स की हो गई। सो आज कुछ कुछ सेलिब्रेशन मैंने प्लान किया है। हर मंथ ही जो हम थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं बेयर मिनिमम, वो सेलिब्रेट करते हैं। सो केक हमने कल ही ऑर्डर कर दिया था, वो आ चुका है, तो केक कट करना है। और अगर स्पेशल डे है तो फिर कुछ स्पेशल बनाना भी बनता है। सो आज जो मैंने दो चीज़ें सोची हैं, जिसमें से एक तो मैंने कुक कर ली है, भगवान को भोग लगाने के लिए मैंने जो चावल की खीर होती है वो बनाई है, और बहुत टाइम के बाद बनाई है, तो वो भोग लगाऊंगी। और मीशी का मन था कि मलाई कोफ्ता मम्मा बनाइए, बहुत टाइम से भी नहीं खाया है और कुछ स्पेशल भी हो जाएगा। एंड लकीली मलाई कोफ्ता के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मेरे पास सारे ही अवेलेबल हैं, तो मैं जल्दी से उसकी तैयारी करती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारी बर्थडे गर्ल क्या कर रही है। नाइशी बेबी, सो आजकल मेरी जो कुकिंग है वो ऐसे ही होती है, उसको मेरे को रॉकर में डालना पड़ता है, अदरवाइज वो बिल्कुल टाइम नहीं देती है, क्योंकि धीरे धीरे वो नई नई एक्टिविटीज भी सीख रही है, अब तो रोल ओवर हो जाती है, तो उसको लेटने का बिल्कुल मन नहीं होता। इस तरीके से बैठा दो तो थोड़ी देर फिर भी खेलती है, अदरवाइज तो उसको लगता है कि बस मुझे गोद में उठाओ, मेरे साथ खेलो। तो जब तक वो खेल रही है मैं तैयारी कर लेती हूँ। आज उसका 4th मंथ बर्थडे है, कल उसका 4 मंथ का वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन के साथ साथ मीशी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर की मीटिंग भी है विद द स्टाफ एंड टीचर्स। तो वैक्सीनेशन का जो टाइम है और मीटिंग का टाइम है वो बहुत क्लोज बाय है, तो आई डोंट नो कि मैं उसकी मीटिंग अटेंड कर भी पाऊंगी या नहीं। वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं मिस नहीं कर सकती। तो कल का दिन भी काफ़ी बिजी होने वाला है, और ये जो उसका वैक्सीनेशन है वो फीवर वाला है, तो आई डोंट नो कल का कैसा दिन जाने वाला है। और फिर थर्सडे से तो मीशी के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा मेरे को उसकी टेंशन है कि कई बार ऐसा होता है कि पूरी पूरी रात नाइशी के साथ मेरी बैठे बैठे निकल जाती है, तो मेरी मॉर्निंग लेट से होती है, बट अब जब उसका स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो मुझे सुबह भी टाइम से उठ करके उसको रेडी करना है, स्कूल भेजना है, और लंच फिर प्रिपेयर करना है। सो मैं अपना ये स्केड्यूल बहुत चेंज करने के लिए ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी सोए, सो दैट मुझे थोड़ी रेस्ट मिल पाए, नाइशी को भी देख पाऊँ, मीशी को भी देख पाऊँ, घर भी देख पाऊँ। तो ये सारा कुछ चल रहा है अभी, लेट्स सी कैसे मैनेज होता है। सो फिलहाल हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फूड की प्रिपरेशन से। जल्दी जल्दी से मैं चॉपिंग करती हूँ और फिर मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ नाइशी का बर्थडे केक। जिस बेकर ने मेरा बेबी शावर का केक बेक किया था, उन्हीं से मैं एवरी मंथ कुछ ना कुछ ऐसे बेक करवाती हूँ। बहुत ही अच्छे केक और कपकेक्स वो बनाती हैं, एंड ट्रस्ट मी दीज कपकेक्स आर टू डाई फॉर। स्टार्ट करते हैं मलाई कोफ्ता बनाना। सबसे पहले करेंगे ग्रेवी की तैयारी। यहाँ पे मैंने मखनी ग्रेवी जो है उसे रेडी कर दिया है ग्राइंड करके। इसके लिए मैंने लिए थे 2 प्याज, 3 टमाटर, 7 to 8 कैश्यूज, जिंजर गार्लिक, इन सबको कुकर में सौते किया था, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके उसको प्रेशर कुकर में 2 विजल लगवा दी थी। और जब वो मिक्सचर ठंडा हो गया उसे ग्राइंड करके इसे पेस्ट को मैंने कुकिंग पॉट में शिफ्ट कर दिया है, और अब लिड लगा करके गैस ऑन करेंगे क्योंकि ये बहुत स्प्लटर करता है। अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और बाकी के स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने डाला है धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और कसूरी मेथी, और मेन इंग्रेडिएंट वो है ग्रीन इलायची का पाउडर थोड़ा सा, वो डाल करके इसे मीडियम आंच पे रख देंगे पकने के लिए। अब आ जाते हैं कोफ्तों की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बॉइल्ड आलू जिसे ग्रेट किया है, और उसका हाफ क्वांटिटी लिया है मैंने पनीर, उसे भी ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी एकदम जिंजर ली है मैंने, 2 ग्रीन चिली, और थोड़े से कैश्यूज चॉप्ड कर लिए हैं। आप चाहें तो किशमिश ले सकते हैं, बट मुझे नहीं अच्छी लगती, मैंने नहीं ली है। 2 चम्मच जाएगा मैदा, 1 चम्मच जाएगा कॉर्नफ्लावर,
और तलने के लिए वेजिटेबल ऑयल, कोफ्तों में भी हम डालेंगे ग्रीन इलायची का पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। इन सबको मिक्स करके आपको जो भी शेप चाहिए कोफ्तों की आप बना सकते हैं। वैसे कोफ्तों को बनाने के बाद 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखना चाहिए, पर मेरे पास आज टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्टली फ्राई करूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। ये मैंने डिनर के लिए भी रेडी किए हैं और लंच के लिए भी। जो हमने मखनी ग्रेवी पीछे रखी है गैस पे, उसमें से ऑयल रिलीज हो गया है, तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें हैवी क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप उसकी जगह पे फुल फैट मिल्क डाल सकते हैं, वो भी सेम वर्क करेगा, बट लकीली मेरे पास क्रीम है तो मैं आज क्रीम डाल दे रही हूँ। और कोफ्तों को फ्राई करना है आपको, आप अपनी इच्छा के हिसाब से इन्हें डार्क या लाइट रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है या लाइट पसंद है कलर, तो आप थोड़ा कम फ्राई करिए। ये हो गए हमारे कोफ्ते रेडी, हमारी ग्रेवी भी रेडी है। अब इन्हें डालना नहीं होता ग्रेवी में, जब आप खाएंगे बस ग्रेवी को गर्म करिए और जितने भी कोफ्ते आपको सर्व करने हैं उनके ऊपर ग्रेवी पोर करनी है। तो हमारा हो गया लंच रेडी और ट्रस्ट मी ये बहुत ही यमी बने थे। ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, एक दो बार पहले भी मैंने बनाई है और मुझे मीशी बहुत टाइम से कह रही थी कि मम्मा मुझे ये बनाना है, बना के खिलाइए, मुझे खाना है ये। बट काफ़ी टाइम टेकिंग है और अभी विद द लिटिल वन मैं डीप फ्राई वाली चीज़ें अवॉइड करती हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगता है और जल्दी जल्दी वो डीप फ्राई वाला काम हो नहीं पाता। तो खैर ये बहुत ही यमी बना था। लंच के बाद मैंने सबको खीर सर्व करी जो मैंने भोग के लिए बनाई थी। ये ठंडी खीर है तो खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि आजकल यहाँ बहुत ही गर्म वेदर है तो कुछ भी ठंडा खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। शाम के बज रहे हैं 8 o'clock और वी थॉट कि इससे पहले कि वो सो जाए हमारी बर्थडे गर्ल जल्दी से केक कट करवा देते हैं। तो बस केक मैंने निकाल के रेडी कर दिया था कैंडल लगा करके और काटते काटते वो बीच बीच में रोने लग रही थी। ये है नेक्स्ट डे इवनिंग की क्लिप, जब हमें जाना था वैक्सीनेशन के लिए तो मीशी के स्कूल की मीटिंग तो मैं अटेंड कर नहीं पाई क्योंकि जैसा मैंने बताया वैक्सीनेशन और मीटिंग का टाइम बहुत क्लोज बाय था। तो अभी हम बाहर आए हैं, क्लिनिक आए हैं इसका वैक्सीनेशन कराने के लिए। सो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के लिए अलग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। सो बेसिकली आपके बच्चे का जो डॉक्टर है वो उन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं, नहीं देते हैं। तो अभी हम इम्यूनाइजेशन के जो सेंटर है वहाँ पे आए हैं और नेक्स्ट वीक इसके पीडियाट्रिशियन के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है और इसे बिल्कुल पता चल रहा था कि समथिंग इज़ नॉट सो गुड गोइंग टू हैपन। मीशी वॉज एक्टिंग लाइक अ बिग रिस्पॉन्सिबल सिस्टर, शी वॉज डूइंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू काम हर डाउन और ये अपनी दीदी से खुश भी बहुत होती है तो तुरंत ही चुप हो गई। हेलो एवरीवन, सो अभी हो रही है वेनसडे की इवनिंग और सुबह से मैं सोच रही थी कि अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, बट बिकॉज नाइशी को वैक्सीनेशन की वजह से फीवर था तो मैं कुछ भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई। अभी वो कुछ बेटर फील कर रही थी तो बस क्विकली मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। कल थर्सडे है, मीशी का स्कूल है तो अभी जल्दी जल्दी से मैं उसके लंच की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ बिकॉज़ मॉर्निंग में फिर बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम हो जाएगा। जो भी वो फूड लेके जाएगी उसकी चॉपिंग मैं कर ले रही हूँ। उसे लेके जानी है मैक्रोनी तो उसके लिए मैं वेजीज कट कर रही हूँ और साथ साथ मैंने जो मैक्रोनी है वो गैस पे बॉयल करने के लिए रख दी। आप टाइम देख सकते हैं, शाम के बज रहे हैं 7
तो बॉईल हो जाएगी, तो बस सुबह मुझे इसका तड़का ही रेडी करना रहेगा। सो क्विकली से सारा काम कंप्लीट करते हैं, और जब तक पास्ता सॉरी मैक्रोनी बॉईल हो रही है, इसके साथ साथ मीशी की जो स्कूल सप्लाईज उसे लेके जानी है अपने साथ डे वन पे, उसकी भी मैं तैयारी कर देती हूँ। ये लिस्ट से स्कूल से मिली थी, तो काफ़ी सारा सामान है जो उसे लेके जाना है, तो आधा वो फर्स्ट डे ले जाएगी और बाकी का जो सामान है वो सेकेंड डे पे अपने साथ कैरी करेगी। तो अभी मैं बस वही लिस्ट में से सारा सामान देख करके बैग रेडी कर रही थी कि उसे क्या अपने साथ लेके जाना है, सो दैट मॉर्निंग में कुछ भी हसल बसल नहीं हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है थर्सडे मॉर्निंग और सुबह के बज रहे हैं 7। मिशी का स्कूल का आज है पहला दिन, वो तो बहुत खुश है बट मैं बहुत नर्वस हूँ। पूरे 2.5 साल के बाद वो स्कूल अपना स्टार्ट करने वाली है, सो यहाँ मैंने उसका क्विकली लंच रेडी कर दिया है, पनीर वेजिटेबल सैंडविच जो उसे बहुत पसंद है वो मैं पैक करने वाली हूँ। सो यहाँ पे उसका लंच बॉक्स हो गया है रेडी, जिसमें है पनीर वेजिटेबल सैंडविच, एक फ्रूट लेके जाना है जिसमें एप्पल, और स्नैक्स में लेके जाएगी वो योगर्ट, वनीला फ्लेवर की है ये, उसे बहुत पसंद है, और मैकरोनी। और यहाँ पे मीशी हो गई है रेडी, आज तो बिना अलार्म के उठ गई मैडम। आई विश हर लॉट्स ऑफ फन एंड लर्निंग। पूरे रास्ते भर वो कूदते फांदते स्कूल गई है, मुझे तो लगा कि आप नर्वस होगी कि इतने टाइम के बाद वो स्कूल जा रही है, बट उसका एक्साइटमेंट और एनर्जी दोनों ही एकदम हाई लेवल पे थे। हेलो एवरीवन, हैप्पी थर्सडे। सो सुबह के भागा दौड़ी वाले स्केड्यूल के बाद अब मुझे टाइम मिल रहा है अपने व्लॉग का एंड करने का। इसके साथ थोड़ी देर में बैठी थी और एक खूब खेलने वाले मूड में थी, तो आई थॉट जल्दी से मैं अपना एंड कर लेती हूँ इस व्लॉग का। कल तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसे जो वैक्सीनेशन लगे थे 3 इंजेक्शन थे और एक ओरल ड्रॉप था, तो इससे कल सारा दिन फीवर था। 4 आवर्स में मैं इसकी जो फीवर की मेडिसिन थी वो रिपीट कर रही थी, और फीवर की वजह से ही ये परसों रात भी ठीक से सोई नहीं, और कल तो पूरी रात इसने मुझे लिटरली बैठे बैठे मेरी निकल गई। थोड़ी देर टहला रही थी कि सो जाए, फिर कभी इसको गोद में लेके बैठी थी, बट पैर में इसको सोने थोड़ी ज़्यादा थी तो ये सो ही नहीं रही थी। मीशी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे लेके जाऊंगी स्कूल ड्रॉप करने के लिए, पर बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही थी तो मैं जा ही नहीं पाई, दर्शन नहीं ड्रॉप कर दिया। तो अभी थोड़ा ये बेटर फील कर रही है। सो आई होप आपको आज का जो ये व्लॉग है अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको आज के व्लॉग में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।